ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ या तो क्या हो प्रिंसिपल डायगोनल, मैंने आपको कल बताया था, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाले सारे जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैंने ली है, मान लिया 3x3 की ले ली है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स ये है 3, ठीक है। एंट्रीज में जनरल लिख देती हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स ली बच्चों ने। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर बनेगी या नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर तो है ही, और साथ में क्या होना चाहिए कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल कल बताया था मैंने क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनका ऑर्डरली सेट बना लो एक, और वो क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a11 a22 a33 यही है डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप इसका सेट बना लोगे ना a11 ऑर्डर सेट a22 a33, तो ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे बताती हूँ, देखो ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बन जाएगी, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो हो जाए, मतलब अगर इसमें a12 a13 और a23 तीनों के तीनों अगर जीरो बन जाते हैं तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर। मतलब फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई की स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाले तीनों एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड क्या है, और करके लिख सकते हैं हम, इसी में फिर दो केस पढ़ेंगे हम, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिलहाल सिर्फ एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो बन जाए तो भी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर। ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a21 a31 a32। अगर आपके पास a21 इज इक्वल टू a31 इज इक्वल टू a32 तीनों वैल्यूज अगर जीरो हो जाए तो भी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक आ गया सबको समझ, सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम ट्रायंगुलर बोलेंगे इफ आइदर एवरी एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, और सेकंड कंडीशन है एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। अगर एग्जांपल देना चाहूँ बच्चों मैं आपको, तो एग्जांपल लिख सकते हो आप, मान लिया 2x2 की मैट्रिक्स लिख रहे हैं, है ना, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है या नहीं है। एक मैंने लिखी 3x3 की, ये दो मैट्रिक्स लिखी है बच्चों, दोनों को हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करोगे, फर्स्ट बताओ कौन बताएगा ट्रायंगुलर है या नहीं है, जैसा आपको समझ आए। हाँ बेटा है ट्रायंगुलर, वेरी गुड। देखो कैसे है ट्रायंगुलर, अभी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, फर्स्ट तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों, दो, फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन गई। अब स्क्वायर के बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, कि हम प्रिंसिपल डायगोनल देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, यही होते हैं, तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल।
अब प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो या नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, दोनों में से एक भी है तो वो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर वाला एक ही एलिमेंट है वो जीरो है, तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स हो गई? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकंड पे देखते हैं। सेकंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है? तीन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तीन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे कि ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, है ना? तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? ट्रायंगुलर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी डेफिनेशन। उसके आगे है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी का एक पार्ट है, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अगर सबसे फर्स्ट कंडीशन तो वही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है, समझते हुए चलना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो ट्रायंगुलर तो होगी, है ना? और अपर ट्रायंगुलर मतलब देखो जो यही है 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अगर उसमें क्या हो जाए, जो प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस, तो ये तो इसमें भी पढ़ा था ये केस, तो इसमें नीचे वाले जब ये केस हो जाए ना ये, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो 3x3 की मैट्रिक्स निकलेगी, वैसे लिखा हुआ है एग्जाम के सामने, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ले, ये लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर कैसे चेक करोगे? नंबर ऑफ रोज देखो, इसमें कितनी है नंबर ऑफ रोज? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब सेकंड हम क्या देखेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल देखेंगे ना। डायगोनल एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर सेट लेते हो तो वो प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, जीरो है, तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ मुझे। 4x4 की मैट्रिक्स बना दे, लिख लिया बच्चों? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊँ तो ये 3x3 की मैट्रिक्स लिखी मैंने, 2-1, 3, और ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो लिखिए, यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए।
ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3-3 है। उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल ये रहा, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है, जो एक दो की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और सेकेंड कंडीशन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर है ये लिखा हुआ है A12, ये है A13, ये है A23, है ना, मतलब ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये तीनों एलिमेंट 0। तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है बच्चों, आई की वैल्यू यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, लेस है, आई इज लेस देन जे, यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 3, यहाँ पर भी आई इज लेस देन जे, और यहाँ पर क्या है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, तो यहाँ पर भी I इज लेस देन J, तो तीनों ही एलिमेंट्स में I इज लेस देन J है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या हो गया आपके पास, Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। इसका मतलब यही हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में देखना, आई इज ग्रेटर देन जे, I is greater than J, I is greater than J। ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिख सकते थे, अपर ट्रायंगुलर में स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I greater than J। क्लियर यहां तक? आगे बच्चों सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसको हम सिंगुलर कहेंगे अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए। आगे आते हैं आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे फर्स्ट कंडीशन बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या हो जाए, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 है तो हम उसको क्या बोल देंगे बच्चों, कि वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपकी और उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन थी, एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा दूंगी। सिंगुलर का एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन तो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो मैंने 2x2 की ले लिया, आप 1x1 की भी ले सकते हो, 3x3 की भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से डिटरमिनेंट 0 बन जाए, मुझे इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है, तो ये बना लिया मैंने 4x5 और 10। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए आपके पास, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट की जो नोटेशन होती है बच्चों, या तो ऐसे लिख दो आप DTA, या फिर ये नोटेशन होती है, पता होगा आपको, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट निकालोगे आप 4, 10, 2, 5 इज इक्वल टू, पहले 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20, फिर माइनस 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 माइनस 20
जीरो, तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला बच्चों तो वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमिलर मैट्रिक्स। अब कोई बी मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ले ली 2x2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो यहाँ पे स्क्वेयर मैट्रिक्स तो है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो बताना 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 की 3 से तो 6, माइनस 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो स्क्वेयर मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऐसी होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपके पास m क्रॉस n की, देन मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस m ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ a एंड इज डिनोटेड बाय a डैश और a t। देखो मैट्रिक्स, आपके पास बच्चों कोई भी एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है, ए मैट्रिक्स है आपके पास m क्रॉस n, उसके बाद आपको निकालना क्या है, a ट्रांसपोज। तो देखो अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेके आपको करवाऊँ, 3x3 मतलब 3x3 तो आप सिर्फ स्क्वायर समझ जाओगे ना, एन और एन को आप नॉट इक्वल लेके चलो, इक्वल भी हो सकते हैं पर नॉट इक्वल लेके चलती हूँ, मेरे पास मैंने ले लिया 2x3, ठीक है 2x3 लिया मैंने, तो यहाँ पे लिखा a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, आप जो इसकी रोज और कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है ना उनको इंटरचेंज कर दो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो इसका ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा, अब तो ऑर्डर क्या है 2x3, और जब ट्रांसपोज निकल के आएगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2। ऐसे ही अगर आपकी ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा था कि इससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो ए ट्रांसपोज जिस उसको हम डिनोट किससे करते हैं, या तो ए डैश लगा दो या फिर ए और ये कैपिटल ए, दोनों ही नोटेशन ट्रांसपोज के लिए यूज की जाती है, इज इक्वल टू इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, ये है फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा हमने, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम a11 a12 a13, ठीक है, फिर इसकी सेकंड रो ये है, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखो तो यहाँ पे आ जाएगा a21 a22 a23, और अब इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया वो कितना आ गया, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज आ गई आपके पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका जो ऑर्डर आ गया वो 3x2 आ गया, ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोज निकलता है। इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ द टाइप m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस m इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। क्लियर बच्चों ट्रांसपोज? तो जो जनरल एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो जब आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एन, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, एज ए रिजल्ट याद रख लेनी है बस, अगर ए डैश एंड बी डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, देन देखो पहले जो ए
ए ट्रांसपोज है ना, इसका मतलब है ये ट्रांसपोज है ए का, ठीक है, और ये बी ट्रांसपोज है, इसका मतलब है ये बी का ट्रांसपोज है, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए के बी इक्वल आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चल तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, आपने क्या किया, ये ए था आपके पास, आपने ए का ट्रांसपोज निकाला, ये आ गया। अगर आप इसका फिर से ट्रांसपोज निकालोगे बच्चों तो बताना, अब ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो ए वन वन ए टू वन, ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखो, ये थर्ड रो, इसको थर्ड कॉलम में, और ऑर्डर पहले ये था, अब क्या आ गया, टू क्रॉस थ्री, ये तो वही मैट्रिक्स है जो ये थी, ठीक है। किया क्या है हमने, फर्स्ट में हमने रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, और फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर से वही बन जाएगा जो ए ए में था, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। सेकंड है बच्चों ए प्लस बी, सेकंड है आपके पास ए प्लस बी, दोनों को ऐड किया, पर ये ऐड हो सकती हो, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ए को तो ले ले, ए आई जे ए ने तो ले लिया ये टू क्रॉस थ्री की, और बी को ले लिया आपने, बी को ले लिया फोर क्रॉस फाइव, और फिर कह रहे हो मैम आपने तो ये प्रॉपर्टी बताई थी लेकिन ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, दोनों ऐड मतलब एडिशन के लिए कंफर्टेबल हो, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, आप ऐड कर पाओ दोनों को, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लो आप, या फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लो फिर बी का निकाल लो फिर ऐड करो, इक्वल हो, ठीक है। एग्जांपल कर सकते हो आप कोई भी, तो मैं करके दिखा देती हूँ, एक ए ही मैंने मैट्रिक्स ली, वन टू फोर माइनस वन जीरो फाइव, ये एक मैट्रिक्स ली, टू क्रॉस थ्री ली है, फिर मैंने एक मैट्रिक्स ली बी, जीरो फोर सिक्स माइनस टू थ्री और ये माइनस वन, ये टू क्रॉस थ्री की है, ऐड कर सकते हैं हम दोनों को, जब ऐड करोगे तो ए प्लस बी साइज तो सेम ही रहेगा, टू क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बनेगी, आप ऐड करोगे तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं हम, ये वन इस जीरो के साथ ऐड होगा तो वन प्लस जीरो वन, ये टू फोर के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स, फोर प्लस सिक्स टेन, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, फिर जीरो प्लस थ्री थ्री, और फाइव माइनस वन फोर, सारे एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिए, ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, है ना, वैसे बच्चों किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ जो हम देते हैं ना वो एग्जांपल से प्रूफ नहीं दिया जा सकता, ये मैं प्रूफ नहीं दिखा दे रही, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, बस प्रॉपर्टी तो ये हो चुकी है सेटिस्फाई, ठीक है, तो अब तो हम सिर्फ एक और अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, यही निकालना है लेफ्ट साइड में, अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज अभी मैंने बताया रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो इसकी रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो वन सिक्स टेन, इसका इसकी जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिखोगे तो माइनस थ्री थ्री और फोर, और कितने बाई कितने की बन गई है, थ्री बाई टू की, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। उसके बाद बच्चों ये ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स बनेगी, और जो ये फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो वन टू फोर, और जो ये सेकंड रो है इसके एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखोगे तो माइनस वन जीरो फाइव, फिर ऐसे ही आप बी ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज जब आप निकाल लोगे तो भी मैट्रिक्स जो बनेगी वो थ्री क्रॉस टू की बनेगी, और जो ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो जीरो फोर सिक्स,
ये आ गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में माइनस टू थ्री और माइनस वन। आप देखोगे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज वेयर के इज ए स्केलर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है अगर ए और बी की मल्टीप्लाई हो सकती होगी ए बी बी इन कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर ए की और बी की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अगर डिफाइंड है तो उस केस में आप ए बी ट्रांसपोज जब निकालोगे वो किससे इक्वल आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए। कंडीशन क्या है कि ऐसा ना हो कि उसी तरह से मैट्रिक्स ले लो जैसे कि मल्टीप्लीकेशन ही नहीं कर सकते डिफाइंड ही नहीं कर रखी है ना और फिर आप ये कह रहे हो कि ये तो अप्लाई हो ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है तो फिर ये होती है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ए बी का ट्रांसपोज निकालो या फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दो आंसर सेम आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों ए एन ट्रांसपोज फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए की पावर एन और उसका ट्रांसपोज निकाल दो या फिर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दो और फिर पावर एन कर। ठीक है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।